जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी साथी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान भाजपा की सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों के लिए जन घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें 100 दिन के भीतर एक कमेटी गठन करने का वादा किया हुआ है, जिसमें अनियमित कर्मचारी, जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सभी संगठनों के पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। दोस्तों, आप सबको भली भांति मालूम होगा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वर्ष 1988 के पूर्व कार्यरत एवं वर्ष 1997 के पूर्व कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वर्ष 2008 में नियमितीकरण हुआ था। जब नियमितीकरण हुआ तो उस समय मुख्य सचिव के द्वारा एक निर्देश, मुख्य सचिव के द्वारा समस्त सचिवों को बैठक लेकर निर्देशित किया गया था कि जो स्वीकृत पद में कार्यरत है उन दैनिक वेतन भोगियों को, और जो बिना स्वीकृत पद में कार्यरत है और बिना नियुक्ति पत्र के कार्यरत है, उन सभी दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ मजदूर, सभी को नियमितीकरण किया जाना था और नियमितीकरण हुआ भी है। ऐसे मजदूर जिसको कलेक्टर दर, समाप्त दर से वेतन भुगतान होता था, उन सभी मजदूरों का भी नियमितीकरण हुआ है, उन सभी श्रमिकों का भी नियमितीकरण हुआ है। दरअसल हमको भ्रमित कर दिया जाता है कि ये जो कार्यरत दैनिक श्रमिक हैं वो दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में नहीं आता, दैनिक श्रमिक हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के या अनियमित कर्मचारी हैं, ऐसा जो है कहा जाता है। लेकिन वास्तुतः आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे श्रमिक जो वर्ष में अगर 240 दिन कार्य किया है वो दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में आता है, उसे नियमित करने की पात्रता बनती है, उसे स्थायी किया जाए, ऐसा निर्देशित है। दूसरी बात यह है कि जो श्रमिक कलेक्टर दर में कार्यरत हैं, जो श्रमिक श्रमयुक्त दर में कार्यरत हैं, वो सभी दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में आता है और वो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। जी, श्रमयुक्त द्वारा जो वेतन गणना पत्रक जारी किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि समस्त शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की वेतन गणना पत्रक स्पष्ट लिखा रहता है। तो हम समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे वाहन चालक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कार्यालय सहायक हो या सुरक्षा श्रमिक हो, उन सभी को कहीं ना कहीं श्रमयुक्त दर से वेतन भुगतान होता है। उन चाहे अकुशल श्रेणी में हो, अर्धकुशल श्रेणी में हो, कुशल श्रेणी में हो, चाहे उस सकुशल श्रेणी में हो, सभी को वेतन भुगतान हो रहा है। कुल मिला के हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा या कुछ बाबुओं के द्वारा हमें दैनिक वेतन भोगी मानने से इनकार किया जाता है, जो कि उचित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आज भी हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और हमारे अधिकार से हमको वंचित नहीं कर सकता है। ये सभी, इन सभी बातों को आप समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को, वाहन चालक को, कार्यालय सहायक को, कंप्यूटर ऑपरेटर को, चाहे वो दैनिक श्रमिक हो, ये जानना बेहद जरूरी है। हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है और हमको अपना अधिकार लेना है, इसलिए आप सभी मजबूत रहें, तटस्थ रहें, जागरूक रहें। हमको किसी भी हाल में, हर स्थिति और परिस्थिति में नियमितीकरण प्राप्त करना है, स्थायीकरण प्राप्त करना है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन दो सूत्री मांगों को लेकर चल रहा है, पहला नियमितीकरण, दूसरा स्थायीकरण। मध्य प्रदेश शासन ने जिस प्रकार से सुरक्षा श्रमिकों को, दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बना के स्थायीकरण करे, एक निश्चित कैटेगरी निर्धारण करके। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करना है, उन श्रमिकों को नियमितीकरण करना है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपना एक कैटेगरी निश्चित निर्धारण कर ले। हम तो चाहते हैं कि जैसे उड़ीसा सरकार ने वर्तमान की स्थिति में जो पूरे कार्यरत थे, 8 माह भी काम किए, उसको उठा के नियमितीकरण कर दिया है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ही 2 साल सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों को नियमित कर दिया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के सरकार जो है चाहे, अगर मानसिकता बनती है, तो 2 वर्ष कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उसी प्रकार से नियम बनाते हुए नियमितीकरण कर सकता है और करे, ये हमारा मांग है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 2 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, उनको कम से कम स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण करें। यही 2 सूत्री मांग को लेकर जो है
समस्त विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एक फेडरेशन के बैनर तले जो है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। मैं पूरी छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भाइयों एवं बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस फेडरेशन के बैनर तले आएँ और नियमितीकरण स्थायीकरण की जो दो सूत्री मांग है, लड़ाई है, उसको हम तटस्थ होकर लड़ें, चरणबद्ध तरीके से लड़ें। और ज़्यादा दिन दूर नहीं, हम चाहते हैं कि इस वर्तमान सरकार से निवेदन भी करेंगे कि सामने लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के पहले ही हमको नियमितीकरण और स्थायीकरण को तोहफा दे। और समस्त विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हैं, वाहन चालक हैं, कार्यालय सहायक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उन सबको लाभ मिले। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक मंच में आकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपना नियमितीकरण स्थायीकरण की लड़ाई लड़े। जय।